सबसे पहले हम बैक के लिए फ्रंट और बैक बनाएंगे। तो फ्रंट और बैक के लिए मैं प्लेन पीस ले रही हूँ, कोई भी प्लेन आपके पास मैचिंग है वो ले सकते हैं। ये कॉटन का जो सूट वाला कपड़ा होता है मैं वो ले रही हूँ। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको कितने हैं। ये है 16 इंच, 16 1/6 इंच, 13 इंच। पहले हम इसे क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से पतले वाली जो फॉर्म होती है और एक लाइनिंग का पीस। तो सेम साइज की फॉर्म और सेम साइज का लाइनिंग वाला पीस, नीचे रखा, उसके बीच में फॉर्म शीट और उसके ऊपर जिस भी कपड़े में से आपने बैग बनाना है ये रखा इस तरीके से। ये जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट करेंगे, इस तरीके से रखा। अब आपको क्या करना है, हाफ हाफ इंच के डिस्टेंस पे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई पे हाफ हाफ इंच के डिस्टेंस में या 1 इंच के डिस्टेंस में इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाइयाँ लगा दीजिए, और इन तीन ताकि ये तीनों पीसेज हमारे क्विल्ट होके रेडी हो गई और साइडों से जो भी एक्स्ट्रा था उसकी प्रॉपरली कटिंग कर ली। तो क्विल्ट होके मेरे पास ये रेडी हो गया। अब पहले हम इसे ऊपर से बैक की शेप देंगे। तो बैक की शेप देने के लिए इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए, 2.5 इंच, 2.5 इंच, यहाँ नीचे 4 इंच, 4 इंच पे निशान लगाया, इसे तिरछा मिला लीजिए इस तरीके से। फिर यहाँ से 2.5 इंच, ये जो चीज़ रखनी है 2.5 इंच, 2.5 इंच, और यहाँ से आपको ब्रॉड लेना है 3 इंच, और इसे गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लीजिए यहाँ से, और ये गोलाई जो मैंने निशान लगाया था उस पर कट कर लिया। तो इस तरीके से मेरी बैक की शेप आ गई। तो जैसे एक पीस ये बनाया है ऐसे ही मैंने एक और पीस बनाया है। यहाँ पे मैंने जोड़ डाला है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं। तो एक फ्रंट के लिए बना लिया मैंने और एक बैक के लिए बना लिया। अब हम यहाँ पे इसके पॉकेट लगाएंगे, एक यहाँ पे फ्रंट साइड और एक बैक साइड। ठीक है, मैंने मैचिंग दो पीसेज लिए हैं, इसमें मैंने स्क्वेयर में क्विल्टिंग की है, इसके बीच में भी फॉर्म और लाइनिंग इंसर्ट करके जैसे ये क्विल्ट किया था वैसे ही किया है, बस इसमें मैंने स्क्वेयर डब्बे बनाए हैं। तो ये मैंने दो पीसेस लिए हैं, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ आपको रखनी है इसके बराबर जितना ये आपका पीस है, और इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 8.5 इंच। तो ये पॉकेट्स हम इस पे लगाएंगे, एक तरफ हम जिप लगाएंगे, एक तरफ हम एज इट इज़ पॉकेट बनाएंगे। इसे इसके ऊपर रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, तो ये जिप इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। अब इसे अंदर को कीजिए और एक इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा ली, मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। तो ये मेरी जिप लग गई इसके साथ। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसे एज इट इज़ इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के जिप को अटैच कर लीजिए। आप यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली, तो ये जिप के साथ मेरी पॉकेट अटैच हो गई। अब इसके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों तरफ सिलाई लगा लीजिए, तो एक पॉकेट लग गई। उसके बाद ये तो दूसरा पीस है, ये वाला पीस लीजिए, इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर इस कलर की पाइपिंग लगा ली, 2 इंच की स्ट्रिप कटिंग की है, इसे इसके ऊपर रखिए उल्टी तरफ से, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को सीधी तरफ को कीजिए इस तरीके से फोल्ड, जितनी मोटी आप रखना चाहते हैं, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा ली। अब इसे इसके ऊपर रखिए पॉकेट को, यहाँ से लेके इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक सिलाई यहाँ मैंने बीच में भी लगा ली, तो ये मेरी दोनों पॉकेट डिवाइड वाली बन गई, एक यहाँ पे बड़ी सी पॉकेट, एक यहाँ पे लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक पॉकेट जिप के साथ मेरी ये प्रॉपर बड़ी पॉकेट बन गई। तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। इसे कपड़ा लिया है, स्ट्रैप की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ये मैंने लिया है 20 इंच, और इसकी विड्थ है अप्रॉक्सीमेट 3.5 इंच। स्ट्रैप बनानी कैसे है, आप चाहें तो इसके बीच में डोरी डाल के भी बना सकते हैं, ये तो सिंपल 1 फोल्ड 2 फोल्ड एक और फोल्ड इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा लीजिए। स्ट्रैप रेडी कर ली, तो एक स्ट्रैप यहाँ पे लगा लीजिए इस तरीके से इस वाले पोर्शन पे, और एक स्ट्रैप इसके साथ अटैच कर लीजिए यहाँ पे, सिलाई लगा के इसे अटैच कर लीजिए और इसे अटैच कर लीजिए, स्ट्रैप ज्वाइन कर ली एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो एक फ्रंट और एक बैक मेरी बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे इसके जिपर लगाएंगे अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ जो जिप लगानी है वो लगाएंगे और इसे ऊपर से फिनिश करेंगे, फिर हम इसकी साइड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से दो क्विल्टेड पीस चाहिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, इसकी विड्थ हमें इसके बराबर चाहिए, इसकी विड्थ इसके बराबर,
और इसकी लेंथ मैंने ली है, इसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंच, 7 इंच इसकी लेंथ है और इस विड्थ इसके बराबर है। तो ये दो पीसेज हैं। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से एक ज़िप चाहिए। अब पहले ज़िप को इन दोनों पीसेस के बीच में हम इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे, ज़िप एक पीस इधर और एक पीस इधर, ज़िप को इंसर्ट करेंगे। तो ज़िप को इंसर्ट कैसे करना है, ये ज़िप रखी इस तरीके से, एक पीस लीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो जब सीधा करेंगे तो ज़िप इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। तो इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक, तो ज़िप एक तरफ से लग गई। अब सेम दूसरा पीस लिया, ज़िप इसके ऊपर रखी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस पर भी सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कीजिए, इसको अंदर को करते हुए एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा। ये देखिए मैंने ज़िप बीच में इंसर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने बनाया था फ्रंट और बैक, एक पीस को ज़िप के इस तरफ रखिए यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली। मैंने पूरा यहाँ से लेके पूरा सिलाई लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लीजिए इसी शेप में। कटिंग कर ली। अब क्या करना है, इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो दूसरे वाली तरफ है, एक तरफ मैंने जोड़ दिया, दूसरे वाली तरफ ये वाला पीस रखिए, दूसरे वाला पीस, और सेम वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। ऐसे रखा इसके साथ। अब यहाँ से लेके पूरा राउंड में यहाँ तक सिलाई लगा ली, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसकी भी कटिंग कर लीजिए। अब इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिए हल्के से, ताकि ये इजिली टर्न हो जाए। चीज लगाने के बाद ये जो पट्टी है इसे बाहर को निकाल लीजिए। इस तरीके से ये भी बाहर को निकाल लीजिए। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी इसे बाहर को सीधा लिया। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे मेरा ये साइड में बन गया, यहाँ पे ज़िप लग गई। तो अब हम इसके साइड के लिए बनाएंगे। साइड के लिए बनाने से पहले यहाँ से हम इसकी हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे। तो इसे साइडों से चारों कॉर्नर से यहाँ से हल्की सी गोलाई में कटिंग कर लीजिए, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, और इसकी हल्की सी गोलाई में इस तरीके से शेप कट कर लीजिए, हल्की सी गोलाई। ये मैंने हल्की सी गोलाई कर ली। सेम गोलाई हर एक कॉर्नर पे आपको देनी है, यहाँ से भी इस तरीके से साइड से थोड़ी सी गोलाई दे दी। सेम इसी तरीके से यहाँ कॉर्नर में भी गोलाई दे दीजिए, चारों कॉर्नर पे इसकी शेप दे दी। अब हम इसके साइड में यहाँ पे हम बीच में पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमें कितनी बड़ी पट्टी कटिंग करनी है। साइड की पट्टी की चौड़ाई हमें इतनी रखनी है जितनी इसकी चौड़ाई है, इससे थोड़ी सी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमारी 3.5 इंच है, तो मैं 4.5 इंच पट्टी की चौड़ाई लूँगी, और लंबाई हम एक बार रफली नाप लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। तो लंबाई एक बार रफली यहाँ से कॉर्नर से जहाँ से हमारी पट्टी लगनी शुरू होगी, इस तरीके से गोल घुमाते हुए एक रफ सा नाप ले लीजिए। बाकी जो कम ज़्यादा होगा वो हम बाद में। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट 29 इंच है, तो मैं 31 इंच के करीब इसकी लंबाई रखूँगी। तो 31 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी एक लंबी सी स्ट्रिप क्विल्ट करके हम इसके लिए बनाएंगे। जैसे अभी मेजरमेंट लिए थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये स्ट्रिप कटिंग कर लिया है, एक लंबी स्ट्रिप। अगर आपके पास लंबी नहीं है तो आप बीच में जोड़ भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने बीच में जोड़ डाला हुआ है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। तो अब हम इसे आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये पट्टी हमें इस तरीके से इसके बीच में पूरी राउंड में लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। तो लगानी कैसे, शुरू करते हैं।
ये मैंने उल्टी तरफ कर लिया, मेरा बैक सीधा था, इसे इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। तो अब यहाँ कॉर्नर में हमें लगानी है, तो हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, किसी भी कॉर्नर से शुरू कर लीजिए। यहाँ से जहाँ से हमारा ये कट है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को छोड़ के जहाँ से हमारी गोलाई आ रही है यहाँ पे इसे रखिए, थोड़ा सा ऊपर छोड़ के मार्जिन, हाफ इंच मार्जिन छोड़ के इसे ऊपर को इस तरीके से, और यहाँ से पूरा राउंड में हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से एक तरफ से मैं शुरू करूँगी, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से लगाना मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए ये जो हमारा, दोबारा से दिखाती हूँ आपको, पट्टी कैसे लगानी है, ये ऐसे रखा इस तरीके से, यहाँ से जहाँ से साइड में हमारा ये जोड़ है यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। ये पट्टी रखी, थोड़ी सी ऊपर को मार्जिन छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हम इसे पूरा राउंड में सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कॉर्नर से मैंने शुरू किया इसे लगाना, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, पूरी सिलाई लगाते हुए यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ तक, ये वाला जो कॉर्नर है हमारा, जो ये तिरछा कटिंग किया है यहाँ तक इसे सिलाई लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर लेंगे, कट करेंगे इस तरीके से। तो मैंने पट्टी रखी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैंने पूरा सिलाई लगा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड तक पूरा सिलाई। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लें, ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया इस तरीके से। अब आपको आगे क्या करना है, अब हम इसमें दूसरा पीस ज्वाइन करेंगे, तो दूसरा पीस भी ऐसे ही ज्वाइन करना है सेम, इसे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे था यहाँ पे, इसे अंदर को खींचिए इस तरीके से, ये वाला पोर्शन इसके साथ अटैच होगा, तो इसे ऐसे घुमा दीजिए इस तरीके से, और सेम यहाँ कॉर्नर से, यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से जैसे हमने पहले लगाया था, यहाँ कॉर्नर पे इसे रखिए और पूरा राउंड में पिनअप करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये पूरा राउंड में इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा पीस इन दोनों पीसेस के बीच में अटैच हो जाएगा राउंड में। पूरा प्रॉपर बराबर है, बस यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कीजिए और ये पूरी सिलाई लगाते हुए, यहाँ से राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए एक कॉर्नर से। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम ये ऊपर वाला फिनिश कर देंगे इस तरीके से, इस पर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे, तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये वाली सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली, तो ये वाला पीस मेरा पूरा बीच में अटैच हो गया। अब यहाँ से साइडों से हमने कर लिया, अब यहाँ से साइड से इसे ऐसे पकड़िए जहाँ पे ये वाला पोर्शन है इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, तो ये हमारा ऊपर से भी फिनिश हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, और उसके बाद इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए ये मैंने इसे पूरा साइडों से भी सिल लिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए और हमारा ये बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का बनता है, इसमें काफ़ी स्पेस है,
ये जिप लग गई। अच्छे से इसके कॉर्नर्स बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से पूरी गोलाई अच्छे से इस तरफ से भी। तो ये काफ़ी बड़ा बनता है और इसमें स्पेस भी काफ़ी है सामान रखने के लिए। यहाँ जिप के साथ ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। यहाँ एक पॉकेट ये, एक जिप के साथ पॉकेट हमारी यहाँ आ गई और यहाँ पे भी हमारी जिप लग गई। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।